हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। कुछ हुआ नहीं। अमूमन होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, कुछ एक्साइटमेंट होता है, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कुछ होता है, लेकिन इस बार कुछ हुआ नहीं। इलेक्शन तो हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे, आप पूछेंगे क्या हुआ, तो आपको जो है कुछ पता नहीं चलेगा। मणिपुर में जो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा, कुछ हुआ नहीं। वो जो पहलवान वगैरह जो बैठी हुई थी अपनी समस्याओं को लेकर के, ये था कि कुछ सरकार सत्ता कुछ माहौल बदलेगा तो उनका कुछ होगा, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। महंगाई जो जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, कुछ हुआ नहीं। और पेपर जैसे लीक हो रहे थे वैसे ही लीक हो रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। ट्रेन दुर्घटनाएं जो हो रही थी, उड़ीसा में कितनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी, फिर ये हुआ था कि दोषियों को सजा और फलाना ढिमाका, कुछ कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं। वापस एक तो ट्रेन दुर्घटना हो गई, सब कुछ वैसे ही चल रहा, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि चुनावों में ये अरबों खरबों रुपए वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, जब कुछ होना ही नहीं था, सब कुछ वैसा ही वैसा है ना। ऐसे ही चुनाव आयोग जो है मोदी जी को बुला लेता कि मोदी जी कुछ होने होने वाला नहीं है, जो कुछ आप ही हो, एक काम करो आप इधर किनारे बैठ के शपथ खा लो आप, और आपके जो भी मंत्री मंत्री उनको बुला करके शपथ खिला करके आप अपना लगे रहो। कुछ नहीं हुआ। जो छोटा मोटा हुआ है वो किसी का निजी हुआ है, पर्सनल हुआ है। मतलब जैसे मोदी जी का पर्सनल हुआ है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उनकी पर्सनल लाइफ में खुशी आई होगी। इससे देश को कोई लेना देना नहीं कि किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या हो गया, क्योंकि ये कोई ओलंपिक नहीं है कि जहां पर आप रिकॉर्ड तोड़ करके कुछ नया बनता है। चंद्रबाबू नायडू की लाइफ में कुछ हुआ होगा, क्योंकि बहुत दिन से वो इधर उधर भटक रहे थे, बीच में जेल में भी थे, ये वो उनकी नई सरकार बनी, वो फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ होगा, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार जी जैसे थे है ना, वैसे ही ये वो, मतलब उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ नेगोशिएट करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ हैपनिंग होगी उनके द्वारा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वाकई में यहां पर चुनाव थे, चुनाव हुए या चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री और फिर से कहीं इटली और इधर उधर अपना घूम फिर रहे हैं, देश की बहुत सारी समस्याओं से चीजों से कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया में देखिए जो भक्त टाइप के थे, इधर उधर लोगों को गंदी गंदी गालियां, ये वो फलाना ढिमाका, ये भी चल रहा है। गोदी मीडिया है जो अभी भी सरकार के चरण पादुका लेकर के अपने सर पे है ना मीडिया बना हुआ है, और सरकार की ही तरफदारी कर रहा है, और विपक्ष को ही हर बात में नकारा, और जो जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा और ये सब डिबेट चलती थी वैसे ही चल रहा है, कुछ हुआ नहीं है, है ना। तो ना तो मीडिया में कुछ हुआ, ना सोशल मीडिया में कुछ हुआ, ना देश में कुछ हुआ, तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। बस ये देश का दुर्भाग्य है, नहीं तो अगर हम देखें 2014 में कितना एक्साइटमेंट था देश के अंदर कि अरे बहुत हुआ महंगाई की मार, और ये वो 56 इंच का सीना, तरह तरह की बातें हुई थी, मोदी जी शपथ लेने का ये लेट करके वहां पे संसद में, और पहला हम SIT उठाएंगे, काला धन लाएंगे, और हमने ये 50 दिन का प्लान बनाया, 100 दिन का, तो बहुत थोड़ा माहौल कुछ बदला था, लेकिन इस बार कहीं कुछ नहीं। चुनाव के पहले जरूर मंगल सूत्र से लेकर के मटन मछली मुजरा है ना मुस्लिम ये सब उतर आए थे, लेकिन अब चुनाव के बाद में कहीं कुछ हुआ नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो हमारे ख्याल से तो ऐसे चुनाव का भी कोई मतलब नहीं है, बगैर चुनाव के ही इन लोगों को बना देना चाहिए। गरीब परेशान बेरोजगार युवा छात्र मणिपुर महिलाएं सब के सब जहां जिस स्थिति में थे वहीं के वहीं हैं, कुछ हुआ नहीं। देखते हैं कब क्या कुछ होगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।